हाई एवरी वन एम शिवांगी अग्रवाल यूर लॉम इंटर एंड वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट प्लीज लिसन टू दिस वीडियो टिल द एंड आपके करियर की बात है यह आपकी जिंदगी का सवाल है वाई आर समीपल सक्सेसफुल इन वन गो वाइल अदर्स स्ट्रगल आने वाले दिसंबर ट्वेंटी फोर एग्जाम्स अटैम्प्ट में मैक्सिमम थर्टी परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पास हो जाएंगे एंड रेस्ट सेवेंटी परसेंट आर गोइंग टू फेल टेरिबली फेल अच्छा लगेगा क्या अगर उस कैटेगरी में हम चले गए तो और जा सकते हो बहुत नॉर्मल है ठीक है कितना भी आपको अपने अंदर विश्वास हो कॉन्फिडेंस हो बट कहीं ना कहीं वन परसेंट चांसेस तो है ना दैट यू माइट फॉल इन टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ऐसा हो बहुत सारे बच्चों को एक्चुअली लगता है कि इंस्टीट्यूट क्या कर रही है फेल कर रही है बच्चों को Right, so if there are 100 students who are appearing for their examination, they have a target that they are going to pass only 20 students. That is the result that they want to keep, and that's why they are failing other 80% students. My dear, this is not the case. Okay. There is something. जिसको मेंटेन किया जाता है जिस प्रोफेशन की डिग्निटी अपॉर्चुनिटीज एवरीथिंग इज बीइंग मेंटेन्ड एंड इट हैज समथिंग टू डू विद इट बट जो आप सोच रहे हो ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं है आप किसी भी फेलियर वाले बच्चे का रिजल्ट जिसको 10 नंबर 20 नंबर 30 नंबर मिला है उसकी कॉपी देखो और आप देखो कि क्या आप एज एन एग्जामिनर उसको मार्क्स दे पाते द आंसर वुड बी नो उसने लिखा ही नहीं है वैसा आंसर कि उसको मिले और वो पास हो तो क्यों ऐसा हो रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वैसा आंसर नहीं लिख पा रहे हैं दे आर नॉट एबल टू डिलीवर वोट दे आर एक्सपेक्टेड टू राइट right? क्या चीज है क्या चीज मिसिंग हो रही है क्योंकि फैक्ट ये है बच्चे जो आप पढ़ रहे हो ना वो पूरी दुनिया पढ़ रही है वो हजारों बच्चे और पढ़ रहे हैं तो फर्क कैसे आएगा हो सकता है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अच्छी हो हो सकता है आपने भाई थोड़ी सी अच्छी गाइडेंस ले ली हो हो सकता है आपकी बुक्स अच्छी हो आपके नोट्स अच्छे हो एवरीथिंग इज एडिंग वन स्टेप टू योर सक्सेस बट देन यू कैन नॉट टेक दिस लाइटली आज का ये जो वीडियो है ना इट्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर एग्जाम इट इज़ अबाउट योर लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग बिकॉज इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई वट्स गोइंग रॉन्ग क्योंकि अगर अभी भी नहीं जागोगे ना अभी भी वो होगे, तो आप समझ लो तैयार हो जाओ एम्ब्रेस करने के लिए अपना फेलियर क्योंकि फेलियर क्या होता है ना हमेशा दरवाजे पे खड़ा होता है और आपको दरवाजा खोलने की भी जरूरत नहीं होती वो धक्का मार के अंदर आ जाते बट जो सक्सेस होती है ना उसको मेहनत से ढूंढना पड़ता है तो बहुत डिफरेंस होता है इन द सेट ऑफ दो सेवेंटी परसेंट स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं और वो थर्टी परसेंट स्टूडेंट्स जो पास होते हैं तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में आई गोइ टू टेल यू फाइव ऐसी चीजें जो फेलियर की आपको और पास लेके जाती हैं एंड दैट इज वाई यू मस्ट इमीडिएटली स्टॉप दम सुन के शायद आपको हैरानी होगी पर सबसे पहली चीज़ है दोस्ती यस इफ यू हैव इमेच्योर फ्रेंडशिप विच इज वेरी कॉमन एट दिस एज टेक अ ब्रेक टूट जाने दो यार दिलित इट्स ओके okay. ज़रूरत नहीं है अभी हर किस्सा किसी को सुनाने की हर जगह साथ जाने की बस इंस्पिरेशन और पढ़ाई की बात को एक्सचेंज करो दैट इज़ इट इफ़ दैट इज़ वॉट योर फ्रेंडशिप इज डूइंग देन एम्ब्रेस इट अदरवाइज टेक अ ब्रेक सेकेंड थिंग इज पुअर टाइम मैनेजमेंट न यू माइट बी सेटिंग टारगेट्स और एट द एंड ऑफ द डे आप देख रहे हो कि यार वो अचीव ही नहीं हो रहा है है ना आप एक दिन 16 घंटे पढ़े हो दूसरे दिन दो घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो ये काम नहीं करना है कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ डू यू ओवरकम दिस पुअर टाइम मैनेजमेंट देखो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार 16 आवर्स पढ़ ली एकदम सैचुरेट हो गए अब तो आई नीड अ ब्रेक ऑफ वन वन डे या टू डे अब तो यहाँ चलेंगे वहां चलेंगे तो ऐसा नहीं करना है आपको हमेशा पढ़ाई करनी है एंड कीप टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स राइट और ब्रेक्स में क्या करना चाहिए यू शुड नॉट स्क्रॉल योर सोशल मीडिया और इंस्टा ठीक है वॉक करो

इफ यू आर ऑलवेज फुल ऑफ फ्योर थोड़ी सी नर्वसनेस एंजाइटी इज नॉर्मल बट अगर हमेशा आपके अंदर वो फ्यूर्स और डाउट है यू विल नॉट गो वेरी फार इन लाइफ ट्रस्ट मी ऑन दिसनाइट पावर विद इन यू एंड इन द लॉ ऑफ बिलीफ अब ये कैसे डेवलप करेंगे मैम हमें तो डर लगता है हमें बार बार एंगजाइटी होती है कि हम तो पास नहीं होने वाले तो आप करना क्या है यू हैव टू रिपीट टू योर सेल्फ पर आई विल डेफिनेटली पास सबने देखो यार कहां पार्टी करनी है जब पास हो जाएंगे तो पढ़ाई भूल मच जाना ठीक है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यू कैन ऑलवेज डू मेडिटेशन फॉर टेन मिनट्स इट हेल्प्स अ लॉट फोर्थ इज लेजीनेस लेजीनेस है लो मोटिवेशन है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है ये अक्सर उन बच्चों के साथ होता है जिन्होंने बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं देखे होते हैं या फिर उनको लगता है कि यार सब कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें भी कुछ तो पढ़ना ही है तो पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ तो करना ही है सबने कुछ कुछ पढ़ाई की है भाई जितने भी फ्रेंड्स हैं कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं सो आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग राइट सो चेंज द थॉट प्रोसेस अदरवाइज इस समय क्या होगा यू फील लेजी अरे ठीक है हो जाएगा तो आप इंस्टा स्क्रॉल कर लोगे ठीक है वो बहुत अट्रैक्ट करेगा आपको वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेंगे सोशल मीडिया यू आर लो ऑन मोटिवेशन यू डोंट हैव एनी थिंग टू मोटिवेट यू कि यार मेरे को क्यों करना चाहिए क्योंकि मेरे को तो लाइफ में सब चीजें मिल रही हैं राइट बट देन यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट एंड

एक कंसेप्ट को समझने में हमने दो दिन लगा दिए नहीं यू डोंट हैव टाइम नाउ सो रिवाइज वाइजली ठीक है करना है सब करना है बट वाइजली रिवाइज करना है देखना है कि इफ इट इज टेकिंग द सेम कोर्स फॉर द क्वेश्चन पेपर ऑल्सो जब आप एग्जाम में भी होते हो तो भी आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है बेटा अगर आपको एक घंटा एक ही क्वेश्चन में लग गया तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो ना तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है कोई कंसेप्ट अगर इफ़ इट इज टू डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक भाई थोड़ी बहुत गाइडेंस ले लो हेल्प देख लो अगर हो रहा है तो ठीक है नहीं तो आगे पढ़ो जितना है इजी कंसेप्ट उसको तो रिवाइज करो तो बहुत वाइजली रिवाइज करना है प्लानिंग के साथ सो आई होप यू ऑल विल एक्चुअली वर्क ऑन दिस एंड ऑल दो मोर देन सेवेंटी परसेंट स्टूडेंट्स विल फेल इन दिसंबर ट्वेंटी फोर एग्जाम्स यू विल नॉट बी वन ऑफ देम ऑल द बेस्ट